नमस्कार। शेअर मार्केटबद्दल आपल्या सगळ्यांना बरंच कुतूहल असतं। शेअर मार्केटमध्ये पैसे टाकायचे अथवा नाही टाकायचे, टाकायचे तर किती टाकायचे, आणि यातनं जो काही रिटर्न्स येतात हे नेमके किती असतात, शेअर मार्केट सट्टा आहे का, ते रिस्की आहे का, अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न हे आपल्याला कायम सतावत असतात। आणि त्याच्यामुळे आपण बऱ्याचदा म्हणत असतो शेअर मार्केट नको रे बाबा, पण या शेअर मार्केटमधनं अक्षरशः लाखो करोडो रुपये कमवलेले लोक आपल्या अवतीभोवती ज्यावेळेस आपण बघतो त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये एक प्रश्न निश्चितपणे येत असतो, आणि तो म्हणजे चाहिला मी या मार्केटपासून दूर राहिलो त्यामुळे स्वतःचं नुकसान करून घेतलं का। या सगळ्या विषयांवर बातचीत करण्यासाठी आत्ता आपल्याबरोबर आहे श्री ओम प्रकाश शाही। ओम प्रकाशजी, सर्वप्रथम ठाणे वर्तमानच्या या स्टुडिओमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। ओम प्रकाश शाही यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर ओम प्रकाश शाही यांची निधी ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी ठाणे शहरामध्ये गेल्या 24 वर्षांपासून कार्यरत आहे। गेल्या 24 वर्षांच्या कालावधीमध्ये 1000 समाधानी ग्राहक त्यांच्याकडे आहेत, आणि या ग्राहकांना बऱ्यापैकी फायदा करून देण्यामध्ये ओम प्रकाश शाही यांना यश आलेलं आहे। त्यामुळे निधी ब्रोकिंग ही ठाणे शहरातील एक आघाडीची आणि विश्वासार्ह कंपनी आहे असं श्री ओम प्रकाश शाही सांगतात। नेमकं हे मार्केट ने आहे काय, कशा पद्धतीने काम करतं, या संदर्भात पुढच्या 1-10 ते 15 मिनिटात आपण बातचीत करणार आहोत। ओम प्रकाशजी, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि ये शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है लेकिन बहुत कम लोग अंदर आते हैं। यस, नमस्कार व्यूअर्स। शेयर मार्केट में मेरा अनुभव पिछले 25 साल से ज़्यादा का है, और शेयर मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर तरह का मीनिंग यह है कि लो इनकम, मिडल इनकम, हाई इनकम, सभी के लिए शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड अच्छा है, सुटेबल है, करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। और बहुत सारे गलतफहमी है शेयर मार्केट के बारे में कि ये सब लक का मैटर है, गैम्बलिंग है, बड़े लोगों का, बड़े बड़े पैसे वालों का है, ये सब गलत है। यहाँ लक भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि छोटे इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर सकते। हमारे पास 2500 से 3000 करीबन छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जो कि 1000 रुपये महीने से लेकर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। और हम लोग का कंपनी का ऐसा विश्वास है कि सभी छोटे इन्वेस्टर्स को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और शेयर मार्केट में भी। एक ही चीज़ हमारा सुझाव है कि यहाँ पर जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट के माइंडसेट से आना चाहिए। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो आप 4 साल 5 साल 6 साल तक इंतज़ार करते हैं और आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मिलता रहता है, छोटा सा रिटर्न मिलता है। यहाँ पर वैसा रखेंगे तो आपको साल में कम से कम 15% का रिटर्न मिलता है, और जो कि आपको फिक्स डिपॉजिट में 6-7% मिलता है। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, 10% लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 1 साल के बाद आपका इनकम लॉन्ग टर्म हो जाता है, और भी टैक्स बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से ऐसा, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि ये जो शेयर मार्केट है ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये मिथ है या ये सही सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स देखेंगे पिछले 75 वर्ष का, तो मार्केट का जो सेंसेक्स है मार्केट गिरता है छोटे पीरियड के लिए, 4-5 महीने 3-4 महीने 6 महीने मैक्सिमम। केवल लेमन ब्रदर्स 2007-8-9 में मार्केट ज़्यादा समय के लिए गिरा था, क्योंकि अमेरिका का प्रॉब्लम था, इंडिया का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो वो 16-17 महीने का मंदी था। फिर भी उस टाइम मार्केट 21,000 सेंसेक्स था, फिर वो 7,000 तक आया था, और आज 73,000 का सेंसेक्स है। तो विद इन, जब मार्केट नीचे आता है तो बेचना नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड और शेयर्स, पैसा सरप्लस हो तो खरीदना चाहिए। अभी रिसेंटली कोविड में भी मार्केट 3-4 महीने के लिए मंदी था, लेकिन उस मंदी में जिसे परचेज किया उसको ज्यादा रिटर्न मिला, और जो नहीं बेचा उसको भी मिला रिटर्न, लेकिन जो सेल कर दिए डर से कि मार्केट में लॉस हो जाएगा उसी को लॉस हुआ।
तो इसमें एक और बात बोलना चाहता हूँ, जो फ्यूचर ऑप्शन होते हैं डेरिवेटिव ट्रेड्स, वो सब नहीं करना चाहिए छोटे इन्वेस्टर, डेली का जो डेली का जी ओके डेली का भी नहीं करना चाहिए। आप नॉलेजेबल पर्सन के साथ जुड़े रहिए। हमारा कंपनी में सब अच्छे स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, और हम लोग बहुत कस्टमाइज सर्विस देते हैं, तो हम लोग सुझाव देते हैं और आपको कोई रिस्क नहीं है। तो इसलिए ये सब गलत बात है कि बोलते हैं रिस्क है और शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, तो ये अलग बात है। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत बार कि ये जो है सट्टा है, यानी आमतौर पे ये बहुत बोला जाता है कि शेयर मार्केट सट्टा है। क्या शेयर मार्केट सट्टा है? नहीं, एकदम आप कंपेयर करेंगे, एक एसेट्स है और हमारे हमारे पास ऐसा अनेकों केस है, अनेकों क्लाइंट्स हैं जिसका कि 3 जनरेशन से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स है और आजकल म्यूचुअल फंड में भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो इसको आप जिस तरह से फिक्स एसेट्स, रियल इस्टेट में कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, गोल्ड आप खरीदते हैं, उसी तरह से शेयर मार्केट एक बहुत अच्छा एसेट्स है आपके लिए। और नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से भी आप देखेंगे कि ये एसेट्स हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा, तो मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत कम है। और उस नज़रिए से देखना चाहिए, कोई किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं है और सुपीरियर एसेट्स है, सुपीरियर आपका एक संपत्ति बनेगा जिससे कंपेयर करेंगे दूसरे से तो अच्छा है। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लक इम्पॉर्टेंट है अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना है, अगर आपको शेयर मार्केट में आपने डाला हुआ जो पैसा है उसको रिटर्न लाना है, तो लक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि लक इम्पॉर्टेंट है या नॉलेज इम्पॉर्टेंट है? लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए, 2-3 साल समझ के आना चाहिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के लिए, और लक फैक्टर एकदम नहीं है, एकदम नहीं। आप अपने फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं और आपका स्टेटस है उस हिसाब से इन्वेस्ट करके और इंतजार करना चाहिए। म्यूचुअल फंड भी रिटर्न अच्छा मिलेगा आपको और शेयर में भी मिलेगा, लक फैक्टर नहीं है, नहीं, एकदम नहीं है। अगर ये लक फैक्टर नहीं है, अगर ये पूरा स्टडीज के ऊपर डिपेंड है, तो फिर आम आदमी का तो इसमें कुछ स्टडी होता नहीं है, तो फिर आम आदमी इसीलिए डरता है क्योंकि ही डोंट हैव एनी नॉलेज हाउ टू एंटर इनटू मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन मार्केट। सो उन लोगों को क्या सजेशन करना चाहोगे आप? उन लोगों को एक एस्टेब्लिश नॉलेजेबल इंस्टीट्यूशन जैसा ऑफिस है हम लोगों का, निधि ब्रोकिंग, हम लोग BSE के मेंबर हैं, CDSL के मेंबर हैं, एक्सपर्ट टीम है म्यूचुअल फंड के लिए, हम लोग रजिस्टर्ड है BSE स्टार प्लेटफॉर्म पर, तो ऐसे ऑफिस के साथ कनेक्ट होना चाहिए और हम लोगों के पास सब डेटा डिटेल्स रहता है। आपके जैसे प्रोफाइल है, फाइनेंशियल्स, फैमिली, ऑफिस है, तो ऑफिस स्टाफ सबके हिसाब से हम लोग सूटेबल प्रोडक्ट उसमें है, बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें से सेलेक्ट करके देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए है, आपको घर खरीदना है या कुछ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है सब मैरिज के बारे में, या एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी रिसेंटली हकीकत है एग्जांपल जो कि हमारे ऑफिस में कोविड में लोगों का बिजनेस और इनकम को तकलीफ हुआ था बहुत सारे लोगों को, तो हम लोगों ने सजेस्ट किए थे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कि SWP कीजिए, सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। उसमें एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 10,000,000 रुपये सपोज आपने इन्वेस्ट किया है, तो पेंशन के जैसा हर महीने में आपको 8,000, 9,000, 10,000 जो आप डिसाइड करेंगे हर महीने आता है, और आपके जो 10,00,000 रुपए हैं वो भी स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है, तो आपका फंड फ्लो डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपका जॉब का इशू हो सकता है, आपके बिजनेस का हुआ था, बट आपके रेगुलर फंड आ रहा है, तो आपके कोई भी घर खर्चे या ऐसा कोई तकलीफ, तो वो भी सब अवेलेबल है स्टॉक म्यूचुअल फंड में। तो जब आप हम लोग जैसे और भी हैं लोग, हम लोग जैसे लोगों के पास आप कनेक्ट करेंगे तो आएंगे, तो हम लोग सब चीज़ आपको डिटेल से समझा के और फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा वेल्थ बनता है फैमिली के लिए भी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए भी। आजकल अभी जैसे हम लोग एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो आजकल बहुत सारे लोग हमको सोशल मीडिया पे दिखते रहते हैं,
सुबह जैसे ही अभी हम लोग सुबह सुबह चेक करते हैं, इसलिए वो अल्गोरिदम में एआई की वजह से हमको सुबह सुबह यूट्यूब पे हमारे वॉल पे आ जाता है, ये खरीदो बहुत मुनाफा मिलेगा, वो खरीदो बहुत मुनाफा मिलेगा, ये शेयर आसमान छूने वाले हैं, ये शेयर ऐसे जाने वाले हैं, वैसे जाने वाले हैं। तो ये सब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं, यूट्यूब यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इनका सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? गुड। इसमें हम लोगों को जो रेपुटेड चैनल्स हैं, जैसे जी बिजनेस है, उस पर मिस्टर सिंह भी हैं, सीएनबीसी बिजनेस, सीएनबीसी है, उस पर निकुंज डालमिया का भी आता है, ईटी नाउ है। इस पर जो इंटरव्यू होते हैं और इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखना चाहिए। और सब लोग, बहुत सारे अनाड़ी लोग उसमें रहते हैं, और उनके जो चीज बातें हैं उस पर गौर नहीं कर। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल वर्तक नगर ठाणे आयोजित महा ऑपरेशन कैंप गर्भपिशवी, अपेंडिक्स, हाइड्रोसेल, पित्ताशय, मूलव्याध आणि हर्निया हे सगळे ऑपरेशन्स फक्त आणि फक्त 30,000 रुपयात, तेही औषधोपचारांसहित। शिबिर कालावधी दिनांक 31 जानेवारी 2024 पर्यंत। त्याचप्रमाणे शासकीय योजने अंतर्गत कॅन्सर ऑपरेशन, स्वादुपिंड तसंच स्टोनचे ऑपरेशन पूर्णपणे मोफत, मेडिक्लेम कॅशलेस फॅसिलिटी सुद्धा अवेलेबल। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल वर्तनगर ठाणे आयोजित महा ऑपरेशन कॅम्पचा आजच लाभ घ्या। अधिक माहितीसाठी 9321677978 आणि 8591441609 या क्रमांकावर संपर्क साधा। सीपी गोयंका इंटरनॅशनल स्कूल, नर्चरिंग टॅलेंट ऍट यंग एज फॉर स्कॉलास्टिक्स, स्पोर्ट्स अँड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह। Proud to have world toppers and country toppers in 10th standard Cambridge examinations. Ranked the best emerging school by the Times of India for personality over percentage, CP Goenka is the intelligent choice. सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की सध्या डासांमार्फत पसरणाऱ्या डेंग्यू या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रत्येकाने पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी। डेंग्यू आजार एडिस इजिप्ती हा डास चावल्याने होतो। या डासांची पैदास साचलेल्या किंवा साचवलेल्या स्वच्छ पाण्यामध्ये होते। 8 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाणी उघडे व साचून राहिल्यास त्यात डास अंडी घालतात। अंड्यांच्या अळ्या तयार होऊन पुढे डास तयार होतात। यासाठी आपल्या घरातील पाणी साठे, उदाहरणार्थ बॅरल्स, पिंपे, टाक्या, हौद, रांजणे इत्यादी, दर आठवड्याला रिकामे करून घासून पुसून कोरडे करून पुन्हा भरावे। एक दिवस कोरडा दिवस म्हणून पाळावा। पाणी साठ्यांना घट्ट झाकणे बसवावीत किंवा जुनी साडी, चादर, धोतर यांनी बांधून झाकून ठेवावीत, म्हणजे डास त्यात जाऊन अंडी घालणार नाहीत। घराच्या गच्चीवर, आजूबाजूला, अंगणात कोठेही पाणी साचू देऊ नये। भंगार सामान उघड्यावर टाकू नये, उदाहरणार्थ टायर्स, प्लास्टिक सामान, कुंड्या, टाकाऊ वस्तू इत्यादी। अशा सामानात पावसाचे पाणी साठून त्यात डेंग्यूच्या डासांची पैदास होते। घरातील कूलर्स, फ्रीजच्या पाठीमागील ट्रे हे देखील वेळोवेळी कोरडे करावेत। लक्षात ठेवा, नुसत्या फवारणीने डास घनता कमी होत नाही, तर त्यासाठी डास पैदास ठिकाणे नष्ट करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे। कोणताही ताप अंगावर न काढता जवळच्या शासकीय रुग्णालयात मोफत औषधोपचार घ्या। अशा प्रकारे नागरिकांनी सहकार्य केल्यास डेंग्यूचा प्रसार रोखणे सहज शक्य आहे। बट ये जो चैनल पर लोग आते हैं, सब नॉलेजेबल लोग आते हैं, उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उस इंटरव्यू को भी, उनके सजेशन पर भी आप गौर कर सकते हैं। बट उसमें भी एप्लीकेशन जो उनके सजेशन का जो पर जो डिसीजन लेना चाहिए, उसमें भी जरा सा नॉलेज वाले लोग से कंसल्ट करके लेना चाहिए। सपोज कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या कोई पर्टिकुलर कोई शेयर्स कोई सजेस्ट करता है, तो उसको कब बाइंग करना चाहिए, और
तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान करके उस पर आप वैसे करना चाहिए, सभी को नहीं सुनना चाहिए। यस, आपके पास जब कोई बंदा आता है इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नया रहेगा, तो आप उसे किस तरह से क्या प्रोसेस होती है आपकी उसको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने की? जी पहले तो ये देखना चाहिए, हम लोग ये देखते हैं कि उनका सरप्लस फंड कितना वो जनरेट कर सकते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है। यदि शॉर्ट टर्म है तो हम लोग शेयर के लिए मना करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मीनिंग है कि एक साल के अंदर का आपको पैसा 6 महीने में ही चाहिए तो फिर फिक्स डिपॉजिट अच्छा है। बट यदि आपका रेगुलर इनकम है और आप सेव कर सकते हैं एक अमाउंट, तो जो सेव कर सकते हैं उसकी जरूरत अभी आपको 2-4 साल के बाद जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम लोग म्यूचुअल फंड, फिर उनके प्रोफाइल के हिसाब से फैमिली के, सपोज वो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास HNI है तो उनको फिर शेयर्स में भी सजेस्ट करते हैं। बट स्मॉल प्रोफाइल जिसका है, जिसका कि फाइनेंशियल्स लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। ओके, म्यूचुअल और SIP में सबसे ज़्यादा फायदा है। SIP से फायदा है कि मार्केट आज 73,000 के पास सेंसेक्स है, और सपोज जो गिर के 70,000 आ गया तो NAV जो वैल्यू है म्यूचुअल फंड का कम हो जाता है, तो आपके हर महीने में पैसे आते हैं, तो फिर नीचे के वैल्यू बाइंग होते रहता है, तो आपका एवरेज होता रहता है। एंड तो इस तरह से अप्रोच हम लोग रखते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। कितना पैसा होना चाहिए मेरे पास अगर मुझे शेयर मार्केट में आना है, क्या कहना चाहिए? शेयर्स में आना है तो आपके पास मिनिमम 2 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा सरप्लस होना चाहिए, 5 लाख रुपए से कम में नहीं आना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में छोटे छोटे अमाउंट से भी आप आ सकते हैं, जैसे SIP के थ्रू, या छोटे लमसम भी अभी आपके पास 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दिए, तो ऐसे करना चाहिए। और जो यंग लोग हैं उनको, यंग का मीनिंग है बिलो 35 एज, उसको इक्विटी फंड और स्मॉल कैप और मिड कैप लेना चाहिए, उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो अगेन प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर, उसका एज कैसा है, इनकम कैसा है, ये देख के डिस्कस करके हम लोग वैसा सजेस्ट करते हैं। ये जो अभी बहुत तेजी दिख रही है अपने को, कोविड में तो सेंसेक्स 28,000 तक नीचे चला गया था, अभी रैपिडली बढ़ रहा है, 73,000 तक चला गया है, क्या लगता है क्या फ्यूचर है मार्केट का? वेरी गुड सर, बिजनेस इंडिया का स्टॉक मार्केट की तेजी बहुत लॉन्ग टर्म का है, ऐसा कभी था नहीं इंडियन स्टॉक में इस तरह का इन्वायरमेंट, वातावरण, फाइनेंशियल्स, गवर्नमेंट के पॉलिसी जो पिछले 6-7 साल 8 साल से ले रहे हैं, और अभी जो जियोपॉलिटिकल ग्लोबल इशूज सब देखेंगे तो इंडिया का ये तेजी, स्टॉक मार्केट की तेजी 2040 तक का है। तो सपोज आपने, आपको ज़रूर, मैं सभी व्यूअर को अपील करूंगा, सभी को म्यूचुअल फंड और शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। 2040 तक आप तेजी बोल रहे हैं, क्या कौन से हाइट पे जाएगा सेंसेक्स? 2040 का तेजी का एक सिंपल रीजन यह है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हर आदमी का इनकम बढ़ रहा है, और ये जो यदि भारत थर्ड इकोनॉमिक पावर अमेरिका चाइना के बाद बनना है, तो आपका इकोनॉमिक साइज कम से कम 18 से 20 ट्रिलियन का होना चाहिए। बहुत सारे फॉरेन के भी लोग, इकोनॉमिक के जो हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बोल रहे हैं कि इंडिया थर्ड पावर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ स्टोरी आपका बढ़ते ही जाने वाला है। यदि थर्ड पावर बनना है इकोनॉमिक, तो आपका साइज आप अभी 4 ट्रिलियन के पास है, तो हम लोग 15-18 ट्रिलियन होंगे, तो यहाँ से 4-5 फोल्ड बढ़ेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इंडस्ट्रीज को होगा और इन्वेस्टर्स को होगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ और मैं सुझाव देता हूँ सबको कि हम लोगों को बिना किसी फियर के स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में खास करके इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के तारीख में कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी दिख रहा है? डिफेंस में तो बहुत कुछ दिख रहा है, रेल्स में बहुत कुछ दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जब शेयर्स देखते हैं तो ये मन में रहता है, हरदम दिमाग में यही रहता है कि 10 साल तक तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये तो डूब तो नहीं जाएगी कंपनी। तो 10 साल का मतलब है उनके प्रोडक्ट, उनके जो सेल्स है वो कंपटीटर या किसी और वजह से, तो ऐसा तो नहीं कि वो कम हो जाएगा।
तो उस नजरिया से देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में लगातार तेजी है। रेलवे में जिस तरह से मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर का अनाउंसमेंट से लगता है कि वहाँ भी 8-10 साल की तेजी है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा आ रहा है न्यूज कि नेक्स्ट बजट में बहुत बड़ा एलोकेशन और बढ़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूस तेजी है। बैंकिंग में भी तेजी रहेगा बिकॉज इफ इकोनॉमी इज ग्रोइंग तो बिना बैंक का ग्रोथ ऑटोमेटिक होता है, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। तो इस तरह से सेक्टर देख के हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। बजट आ रहा है, यूनियन बजट आ रहा है और लोगों की नजरें यूनियन बजट की तरफ है, क्या कहना चाहिए इस बजट में? तो या फाइनल बजट जब जुलाई में आएगा इलेक्शन के बाद तो इंफ्रा विल डोमिनेट। ओके, इंफ्रा पर एलोकेशन बहुत बढ़ेगा एंड डेफिनेटली रिलेटेड बैंकिंग में भी बिजनेस बढ़ेगा। सभी बैंक के NPA कम हो रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, उनके लॉस कम हो रहा है जो पुराने प्रोविजनिंग होते थे पहले के लॉस। तो बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी के बिना कुछ ग्रोथ होगा नहीं बिकॉज एनर्जी कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग मोर देन 13-14-15%। तो एनर्जी कंजम्पशन, तो एनर्जी से रिलेटेड कंपनीज, तो ये सारे एंड जब 4-5 सेक्टर इंक्रीज होगा, टूर से ट्रेवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी सब रिलेटेड है। वंस इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है तो सब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे नीचे हर सेक्टर को फायदा होता है। तो इस तरह से अप्रोच रखना चाहिए, यहाँ भी कोई डरना नहीं चाहिए मेरा हिसाब। एग्जैक्टली, तो बघापासून ज्यावेळेस ते बोलता है तेव्हापासून एकच लक्ष्य समोर येत आहे की इवन इफ इट इज शेअर मार्केट, तुम्ही असं सकाळ संध्याकाळ ते खरेदी आणि विक्री संघ म्हणून त्याकडे बघू नका। लॉंग टर्म जर का तुम्ही हे ठेवलं, लॉंग टर्म विजन ठेवलं की बॉस मी 100 रुपये टाकले, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष त्याकडे बघायचं नाही आणि 4 वर्षामध्ये एक जो सिस्टमॅटिक ग्रोथ सेन्सेक्समध्ये दिसत असते आणि नॅचरल त्याच्यामुळे तुमचे पैसे तिथे चांगल्या पद्धतीने वाढत असतात, खूप मोठं ग्रोथकडे तुम्ही जर बघितलं तर कदाचित तुम्हाला थोडीशी हातात निराशा येईल की आज घेतलं उद्या विकलं, पॅनिक झालं परवा विकलं, मग त्यावेळेस तुम्हाला लॉसेस सहन करावे लागू शकतात। पण जर तुम्ही एखाद्या FD सारख्या याच्याकडे बघितलं, पैसे टाकले विसरून जा, 5 वर्षांनी त्याच्याकडे बघा, एक सस्टेनेबल ग्रोथ त्याच्यामध्ये मिळते सेन्सेक्समध्ये आणि त्याच्यामुळे साहजिक तुम्हाला एक साधारणपणे 10-15% जो परतावा असतो हा तुमच्या रकमेवर मिळत असतो। सर, शेवटचा एक प्रश्न मनामध्ये येतोय की मागच्या वेळेस माझ्याकडे एक गोल्डमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करणारे क्लायंट माझ्याकडे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं होतं की गोल्ड इन्व्हेस्टमेंट इज सगळ्यात बेस्ट, हाऊ यू कॅन कम्पेअर इक्विटी विथ गोल्ड अँड रिअल इस्टेट? ओके, गुड, व्हेरी गुड क्वेश्चन, रिलेव्हंट टू सभी के लिए, इसका रिलेव्हंट है सभी के लिए। बिफोर दैट हमने देखा है कि छोटे छोटे दुकान वाले भी और छोटे छोटे इन्वेस्टर सब पोंजी स्कीम में पैसा डालते हैं, फिर वो शाम को कोई आता है कलेक्शन करता है 200-400 रुपये और किटी ऐसा सब DBC करते हैं, लेडी लोग किटी पार्टी में ऐसा, ये सारी जगह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं अपनी जरूरत से। दूसरा है गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, रियल इस्टेट में करेंगे, फिक्स डिपॉजिट लेंगे, सभी का देखेंगे कंपेयर करेंगे तो टैक्स बेनिफिट्स और लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स सब में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड शेयर सबसे अच्छा है, कोई करप्शन नहीं है, लॉजिस्टिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गोल्ड लेंगे तो आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, यहाँ कुछ सब पेपर DMAT में है या स्टेटमेंट वर्चुअली पड़ा रहता है, सब रहता है, कभी भी आप चाहें तो OTP बेस्ट अभी हो गया, आज आप बेचेंगे तो नेक्स्ट डे आर टू डेज पैसा आपके बैंक में आता है एंड रिटर्न इज सुपेरियर। रिटर्न आप कंपेयर करेंगे तो FD का तो आपको मालूम है 6-7% रिटर्न मिलता है, रियल इस्टेट का कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, कैश का भी उसमें डीलिंग्स है और एक प्रॉपर्टी आप बेचने निकलो तो 3-4 महीने भी लग जाता है, मिडल मैन का रोल बहुत ज़्यादा है, बायर मिला टाइम पर कि नहीं, और पार्टली तो आप बेच नहीं सकते, आपको चाहिए 10 लाख रुपए और आपकी प्रॉपर्टी है 50 लाख की,
तो 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा। यहाँ पर 50 लाख रुपए का शेयर से म्यूचुअल फंड 10 लाख का ही बेच के आप अपना काम कर लेंगे और आपकी रिमेनिंग 40 लाख वैसे रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, क्लीन और एकदम बढ़िया सिस्टम और रिटर्न, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपेयर करेंगे तो म्यूचुअल फंड इज बी सुपीरियर एंड शेयर्स मार्केट। तर हे होते श्री ओमप्रकाश शाही, निधी ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही त्यांची कंपनी आहे। ठाण्यातली जवळपास गेल्या 24 वर्षांपासून ते काम करत आहेत। हजारो समाधानी ग्राहक त्यांचे आहेत आणि त्यांचे नंबर स्क्रीनवर दिलेले। तुम्हाला जर त्यांच्याकडनं काही सल्ला हवा असेल तर डेफिनेटली तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधू शकता। ओमप्रकाशजी आमच्याशी बोललात त्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू व्ह्यूअर्स, थँक्यू सर।